हेलो हेलो हाँ हेलो सुनील जी। हाँ हाँ, मैं बताइए। अरूप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए अरूप। ये आपको ये सैमुअल संगमा का जो है उनके माता पिता का कॉन्टेक्ट नंबर मिला क्या? अभी एक लोग से बात हुई है हमारी, ठीक अच्छा, ना? हाँ हाँ तो फादर से तो बात हो जाएगी अब हमारी, ठीक फादर से बात हो ना? जाएगा उनसे, ना। हाँ अच्छा हाँ फादर से हो जाएगी, फादर ठीक से है। तो तो हो जाएगा ना, आपका। कल तो मैंने देखा आप लोगों ने क्राइम तक पे वो दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसको चलाया गया अभी आज, और फिर चलेगा ये 3 एपिसोड आज कल भी अच्छा, करेंगे। तो सुनील जी एक बात बताइए, अस्पताल वालों का मतलब क्या कहा उन लोगों ने? आप लोग जब गए थे वहां में रिपोर्टिंग करने, उसको क्या कहने हाँ में? अस्पताल वाले का ये कहना है, वो सारे सारी टॉपिक पे उसने बात की। अच्छा, अस्पताल वाला जो डॉक्टर अनुज बिश्नोई है, उसने कहा कि ये लोग सुबह 6 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल आए थे, ठीक ना? जी और लड़की को ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन नहीं, मतलब जैसे कि ये इस इन सब चीजों के बारे में तो पता है सबको, लेकिन ये जो जो कागज के बारे में कुछ पूछे थे कि आप लोग जो खात में क्या हाँ छुपाया जा कागज के रहा बारे में पूछा था। हाँ था? कागज के बारे में पूछा, वो जो लेडी डॉक्टर है ना, उसका नाम हाँ, अंजलि है, ठीक है? तो अच्छा, अंजलि ने बताया कि वो कागज किसी और पेशेंट का था, डेंटल कर रहे थे। तो हमने थोड़ा सा जिद में, कि वो अचानक उसने जिद कर ली कि कागज दिखाओ, तो हमने जिद में उसको नहीं दिखाई। हालांकि वो अपनी गलती मान रही है कि अगर मुझे दिखा देना चाहिए था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, अगर दिखा देते तो कुछ होता नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं भी उस समय थोड़ा सा जिद में आ गई, टेम्पर, तो मैंने इस वजह से नहीं दिखाया, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा। ये है, और पुलिस के तरफ से अब तक मतलब इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है इसके बारे में? और पुलिस ने अभी तक ये किया है कि पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करा दिया है, अच्छा सैमुअल की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा उसमें पुलिस का क्लेम है कि ये हैंगिंग है, मतलब सुसाइड का केस है, कोई अच्छा इंजरी नहीं मिली है एज पर पुलिस, ठीक है? तो कोई इंजरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो डीसीपी है यहाँ के, साउथ वेस्ट दिल्ली के, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, ठीक ना? अच्छा दिल्ली पुलिस ही, क्योंकि ये दिल्ली में ही रहते थे ना, और लड़के जैसे दिल्ली में ही हुई, सैमुअल की होटल में, अमलतास होटल है दिल्ली में, ठीक ना? अच्छा तो इसके साथ ही मतलब जैसे कि सैमुअल संगमा के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, तो पुलिस इसमें क्या स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है अब तक? मतलब कुछ खुल के नहीं क्यों नहीं नहीं पुलिस बोल स्टेटमेंट दे रही है, पुलिस ने हमें रही? स्टेटमेंट दिया है हमें, ठीक अच्छा, ना? अपने हाँ लगातार वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर रही आज है। हम लोग आज आज ऑन एयर करेंगे इसको, अच्छा पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक ना? पुलिस के पास वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के आप लोग के सीएम और ये सब का लेटर वेटर भी आ चुका है। तो पुलिस अब जांच कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि अभी हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड, अगर कुछ भी चीज आया, अच्छा नेग्लिजेंस आया हॉस्पिटल का, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए मेडिकल टीम एक जांच कर रही है, ठीक अच्छा ना? मतलब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों की आ चुकी है इस वक्त ना? हाँ उसका, लड़की का तो कह रहे थे कि अभी नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है लड़की वाले में, लेकिन लड़के का तो क्लियर है, सैमुअल का आ चुका है, उसमें हैंगिंग आया हैंगिंग है। कर दिया। तो जैसे कि घर वालों का जो आरोप है, जो चोट का निशान जो बताया जा रहा, दांत टूटा हुआ था, हड्डी उड्डी में टूटा हुआ था, तो इन पर कुछ खुलकर नहीं बताया पुलिस ने? इनपे वही, इनपे एक्चुअली हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस ने दिखाया नहीं, अच्छा लेकिन हमने पूछा कि भाई चोट के निशान है ये है, जैसा कि घर वाले क्लेम कर रहे हैं, तो कह रहे अच्छा हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक अच्छा है? ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि देखिए सब कुछ तो सीसीटीवी कैमरे में भी आया होगा, तो ये सब तो सब लोगों को मतलब थोड़ा मतलब मिस कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, तो ये सब जो है सब मीडिया में तो कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ आप लोगों ने ही दिखाया नहीं क्राइम। नहीं आएगा, सब आएगा, नहीं नहीं आएगा। अभी जब हम लोग इसको कर लेंगे ना, अभी क्राइम तक पे, आज अच्छा अच्छा यूट्यूब वाले पे आज और एक दो एपिसोड हमारी बात हुई है कई लोगों से, तो अच्छा आज हमारे पास बहुत सारी चीजें, मटेरियल आ चुका है, ठीक ना? अच्छा तो आज हम इसको कवर करेंगे, फिर देखिएगा कल से ये आज तक के मेन चैनल पे कल से चलेगा ये, अच्छा ठीक? वैसे तो आपका ये रॉबिन हिबू सर जी से बात नहीं हुआ ना, जो आईपीएस स्पेशल जो देखते हैं नहीं वहां कैसे नहीं केस रॉबिन को? हिंगू सर से उनसे कभी नहीं बात हुई है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, कुछ बात हुई आपकी? नहीं, उनके से मैं वही संपर्क करने के बारे में सोच रहा था, तो उनका तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अगर कोई भी मामला होता तो उन लोगों का क्विक रिएक्शन होता है, देखा जाता है, तो इस मामले में वही भी अच्छा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ा उनसे भी बात करना जरूरी बनता है, मतलब ऐसा लगता नहीं, ठीक उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग की तरफ से, क्योंकि है। वो मैं हम आपसे तो बात हो जाएगी, बाकी किरण रिजिजू से भी बात हो जाएगी, आज अच्छा उनका भी आ जाएगा सारा हाँ कुछ, ये हो जाएगा। अब ये लाइनअप हो चुके हैं ना, तो सारी चीजें देखिएगा सब, ठीक है ना? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आगे अगर कुछ पता चलता है तो बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। ठीक है, थैंक यू।